हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान के बारे में। ये होगा इसका भाग 7। तो फ्रेंड, आपने शायद न्यूज़ पढ़ी होगी या फिर यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखे होंगे। 18 दिसंबर को जो रिलीज़ हुए थे, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने, काफ़ी सारे एजुकेटर्स ने इससे संबंधित एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया गया था कि रेलवे वैकेंसी में मात्र आपका बहुत जल्द ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। मात्र 6 मंथ के अंदर इसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें वो नोटिफिकेशन का भी टाइम आपको देगा, प्लस एग्ज़ाम प्लस रिजल्ट। देखिए इतना फास्ट काम ये अब करने जा रहा है, तो इसलिए आपको तैयारी अभी से करके चलनी पड़ेगी। और आग लगने पर कुआं खोदोगे तो क्या होगा क्या नहीं, वो तो आपको वक्त बताएगा। और देखिए, जो फ्रेंड एक्टिव स्टूडेंट हैं, मैं बात करता हूँ उनसे, जो एक्टिव स्टूडेंट हैं, तो उनसे बस केवल यही कहना चाहूँगा कि आप रेलवे की जो 3 बुक आती हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 प्लस 3, ये वाली बुक, मतलब सामान्य विज्ञान की, तो ये 3ों बुक चाहें तो आप परचेज कर लीजिए मार्केट से। अदरवाइज सबसे पहले केवल एक ही बुक परचेज करिए, जो होगी आपकी रेलवे सामान्य ज्ञान की, ठीक है? तो उस बुक को परचेज करना, और उस बुक के जो भी वीडियो चैनल पे बन चुके हैं उन सभी वीडियो का आप देखना, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट करवा रखे हैं केवल उतना पढ़ के जाना। जैसे ही वो बुक कंप्लीट होती है, उसका एक बार पूरी बुक का रिवीजन करना अच्छे से, उसके बाद दूसरी बुक परचेज करना। और टारगेट सेट करिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आप फुल डे फ्री हैं तो आप एक किताब को कम से कम 20 दिन के अंदर अच्छे से खत्म कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो टाइम को मैनेज फिर आप करिए कि कैसे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? जब भी टाइम मिलता है पढ़ना शुरू करो। ऑफिस में मिलता है टाइम तो ऑफिस में टाइम निकाल के अपना कोई कैंटीन वगैरह में बैठ करके वहाँ पढ़ लो, कोई पार्क हो ऑफिस के नीचे वहाँ जाके बैठ के पढ़ लो। ये अब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि आपको कहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, लेकिन पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो क्योंकि वैकेंसी धमाकेदार आने वाली है इसकी। देखिए पहला जो पॉइंट है वो है कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है। तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, इसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको देगा एग्जाम में, तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। अब एग्जाम में पता नहीं वो कब क्या पूछ ले। अगला पॉइंट हमारे सामने, हर्पेटोलॉजी है क्या, तो इसमें होता है आपका छिपकली का अध्ययन। अगला पॉइंट है हमारे सामने कि सेरोलॉजी संबंधित है सीरम में एंटीबायोटिक से। उसके बाद हम बात करते हैं कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है बायोप्सी के द्वारा, और लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। अगला पॉइंट हमारे सामने कि लेंस किससे बनता है, तो ये बनता है फ्लिंट कांच से। और ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। देखिए डेज को लेकर के जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वो मैं इस वीडियो में कम से कम नहीं बोलना चाहूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बाइफोकल लेंस के आविष्कारक हैं आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। और परमाणु में उदासीन कण है कौन सा, न्यूट्रॉन। अगला है पॉइंट कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को, और ब्लैक क्रांति संबंधित होती है पेट्रोलियम से ही। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ब्लैक क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, तो ब्लैक क्रांति रिलेटेड टू पेट्रोलियम। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये आपका शुक्र। और माउस का आविष्कारक कौन थे, किसने इसका आविष्कार करा था, तो उनका नाम था डगलस इंगेल बर्ड। हंसाने वाली जो लाफिंग गैस होती है वो होती है आपकी NO2। और रिवॉल्वर के आविष्कारक है आपका सैमुअल कोल्ट। सौर मंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमेड, AbO। ये जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने करी थी, तो ये करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। देखिए क्या होता था कि पहले कोई भी अगर एक्सीडेंट वगैरह होता था ना, तो क्या करते थे, डॉक्टर इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ब्लड ग्रुप का उस टाइम पे आविष्कार हुआ नहीं था, खोज नहीं हुई थी, तो किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ की कमी पड़ती थी, किसी का भी ब्लड बिना किसी पहचान के डाल देते थे उसके बॉडी के अंदर, मतलब ट्रांसफर कर देते थे। तो फिर क्या होता था, जैसे ही उसको ब्लड चढ़ता था वो ऑन द स्पॉट आधे घंटे या 20 मिनट में ही मर जाता था। तो कहते थे कि उसका ब्लड काफ़ी जहरीला है, उससे वो मर गया, ये हुआ वो, ऐसी अंधविश्वास फैलता था। और एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम किसी और ब्लड ग्रुप में, किसी और ब्लड ग्रुप के साथ में उसको अटैच कर देंगे ना, तो खून बहुत गाढ़ा हो जाएगा, ऑक्सीजन का फ्लो पूरे हमारे जो ऑक्सीजन के माध्यम से, जो ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है ब्लड के माध्यम से, तो वो बंद हो जाएगा, तब क्या होगा, बॉडी नष्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें, मतलब ये जो खोज करता है इन्होंने बहुत बड़ी हेल्प करी है मेडिकल के अंदर। अगला बात करते हैं हम, पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को समय कितना लगता है। देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि जब सूर्य आसमान में उगता है तो उसका जो रेज होती है, किरणें जो होती है, प्रकाश जो होता है, धरती पर कब तक पहुंचता है, तो ये लगता है आपका 8 मिनट 20 सेकंड लगभग। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला है हमारे सामने कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। अगला पॉइंट हमारे सामने, ईमेल के खोजकर्ता कौन है, तो ये है आपके बी शिवा अय्या दुरई। देखिए कैंसर से संबंधित आपको पता है कीमोथेरेपी क्या होती है, कभी कभी पूछ लेता है कि इस इलाज के लिए कौन सी मतलब कि ट्रीटमेंट का नाम बताइए, तो वो था कीमोथेरेपी। बहुत ही डेंजरस रेज होती है, जैसे अल्फा बीटा गामा होती है ना, गामा रेज काफ़ी डेंजरस होती है, तो कीमियो भी एक रेज होती है, बहुत ही टिपिकल होती है, उसको झेलना हर एक के बस की बात नहीं होती है। अगला पॉइंट हमारे साथ, प्लूटो की खोज करी थी 1930 में, और रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है, तो ये होती है CFC, और टैक्सोनॉमी संबंधित है वर्गीकरण से। MRI के फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। नेफ्रॉन संबंधित है किससे, किडनी से। और लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है किसको, मंगल ग्रह को। देखिए डेज से संबंधित सभी डेज आपको मंथ के इम्पॉर्टेंट जो भी हैं वो पढ़ के जाने हैं, और सौरमंडल टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट जो भी घटना घटित हुई है करंट अफेयर्स, वो सब आपको देखनी है, तो बस लग जाइए अभी से, दिन रात एक कर दीजिए। आलू चिप्स की पैकिंग में किस गैस का उपयोग होता है, जो आप खाते हैं ना, मतलब कुरकुरे वाला खाते होंगे आप लोग, लेस खाते होंगे, ये सब चीज़ें जो होती हैं फूला फूला दिखता है पैकेट, हम कहते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं, हवा भर रखी है, वो एक्चुअली हवा नहीं होती, वो गैस होती है, तो वो गैस कौन सी होती है, वो गैस होती है आपकी नाइट्रोजन। अगर आपसे नॉर्मली आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन क्या करती है, किसी भी खाद्य पदार्थ की लाइफ क्या होती है, वो इंक्रीज कर देती है। अगर आप सिंपल वैसे आलू चिप्स बनाएं घर पे और उसको खाएं आप लोग कम से कम 1 महीने बाद, तो वो ऑटोमेटिक ना काले पड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन गैस के अंदर ये चीज़ रखी होती है और वो काफ़ी लंबे समय तक चल जाती है, वो खाने योग्य बनी जाती है। अगला है आपका, जीका वायरस फैलता है किससे, एडीज मच्छर से, और पाचक अम्ल है आपका HCI। प्रतिरोध की गणना की जाती है आपकी ओम से, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि लाल ग्रह है क्या, मंगल ग्रह। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है आपकी 8, और प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं आपके, परावर्तन एवं अपवर्तन। देखिए हीट स्टोन सेतु से क्या मापा जाता है, तो ये मापा जाता है प्रतिरोध। और बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। और कैथोड किरणों का पता सबसे पहले किसने किया, जे.जे. थॉमसन ने। ब्यूफोर्ट माप क्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है, हवा की गति के लिए। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, तो यह आपका ट्राइटेनियम। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना होता है, हाइड्रोजन एवं हीलियम। किसने सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान दिया, तो वो है आपका कैवेंडिस। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, सामान्य नेत्र की स्पष्ट दूरी होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर। और मौसम विज्ञान में किसका उपयोग होता है, तो ये होता है आपका रेडियो सक्रिय गैस का। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है, तो वो है आपका नेपच्यून। शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से क्या रहता है, तो वो रहता है आपका मिरीसिल पामिटेट। तुर्क तंतु किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं ट्यूबुलिन के। और आरएनए का अभिप्राय क्या है, तो ये है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। येलो केक प्राकृतिक यूरेनियम। और सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है, तो ये आपका एसिटिक एसिड का। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ प्रमुख वैज्ञानिक टर्म के बारे में, कुछ पर्सनैलिटी और उन्होंने क्या क्या काम करा उसके बारे में। देखिए पहली जो पर्सनैलिटी है हमारे सामने वो है हमारी हेनरी बैकुरल। तो ये क्या थे, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या करा था, रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये भी, इन्होंने क्या करा था, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणों की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी हेनरी बेकुराल ने। फिर आती है बात नील बोहर, परमाणु की संरचना मॉडल जो था वो इन्होंने बनाया था, और 1922 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है पर्सनैलिटी हमारे सामने हेनरी कैविडिस, और इन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में इसकी खोज करी थी। तो एग्जाम में पूछ लेता कि हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी आपकी हेनरी कैविडिस ने। फिर हम बात करते हैं जेम्स चैडविक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्होंने क्या करा, परमाणु कण कण जो है आपका न्यूट्रॉन, इसकी खोज करी थी कॉपरनिकस। तो पृथ्वी स्थिर नहीं है,
और सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये कहा था कॉपरनिक्स ने, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि ये कथन किसका था, कथन पूछता है, तो ये था आपका कॉपरनिक्स का। मैडम क्यूरी, इन्होंने खोज करी थी रेडियम की, पहली बात ये, और इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 1903 और 1911 में। जॉन डॉल्टन, परमाणु का सिद्धांत और गुणित अनुपात की खोज करी थी इन्होंने, ये नियम दिया था किसने, जॉन डॉल्टन ने। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेंसिलिन की खोज करी थी और साथ में करी थी लाइसोजाइम की। तो दोनों में से कोई एक खोज आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना उनका नाम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गैलीलियो क्या था, इन्होंने गति के जड़त्व का नियम दिया था। उसके बाद विलियम हॉर्वे, रक्त परिवहन की खोज करी थी इसने, और एडवर्ड जेनर ने करी थी चेचक के टीके की खोज। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्र दिया था, उन्होंने कैसे करते हैं, और डब्ल्यू सी रॉन्टजन एक्सरे की खोज। रॉबर्ट हुक ने करी थी सेल किस प्रकार से काम करती है, क्या होती है सेल्स की डेफिनेशंस पूरी वगैरह, जो खोज करी थी सेल्स की वो करी थी रॉबर्ट हुक ने। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करी थी परमाणु नाभिक की खोज। अगला है आर्यभट्ट, इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये कहा था आर्यभट्ट ने। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो यहाँ पे आप पढ़िएगा। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, साथ में ये देख लीजिएगा, और वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए पूरा। मैं बढ़ता हूँ आगे अगले पॉइंट की ओर, कि डॉक्टर सलीम अली, इनको बर्ड्स मैन भी कहते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, बाद में बाबा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक हैं ये। और हरगोविंद खुराना, अनुवांशिकी कोड की खोज करी थी इन्होंने। विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस टेस्ट पेपर के बारे में। देखिए देखिए, टेस्ट पेपर करने का भी कोई फायदा नहीं है, अगर आपको टेस्ट पेपर करने का मन है तो एक डेडिकेटेड स्पेशल अलग से बुक है रेलवे की, मैं बात कर रहा हूँ इस बुक के बारे में, वॉल्यूम 2। इसमें 920 सेट हैं, एक सेट में 40 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, और इसके 10 वीडियो बन चुके हैं और भी कंटिन्यू, अभी फिलहाल 18 दिसंबर हुआ है, तो जो भी है मतलब डेट आज के आपके अकॉर्डिंग, देखिए मैं वीडियो थोड़े से पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका, अगर आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो आप रेलवे स्पीडी की बुक जो है वॉल्यूम 2 की, उसमें जाइए, वहाँ पर आपको वो तमाम वीडियो इस बुक से संबंधित मिल जाएंगे, उन सभी वीडियो का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इस सामान्य विज्ञान की बुक जो मैं PDF दिखा रहा हूँ आपको, मैं इसमें फिलहाल ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी तो उससे कर लीजिए आप, ठीक है। और चलिए, इस पेज पे एक इम्पॉर्टेंट ये है हमारा सामने, ये वाला पेज 65। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेज में जो इम्पॉर्टेंट है ना, आपको ये शाखाएं और अध्ययन ये अच्छे से याद करना है। आपसे पूछता है एग्जाम में कि सिक्कों का अध्ययन कौन सी शाखा में होता है, आपके सामने 1 2 3 4 कुछ ऐसे ऑप्शन देगा, आपको याद रखना है न्यूमिस्मेटिक्स जो शाखा होती है, ब्रांच होती है, उसमें अध्ययन होता है आपका सिक्कों का अध्ययन। और अगला है आपका रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर, एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी पालन, और हॉर्टिकल्चर में होता है आपका फलों का उत्पादन। अब देखिए कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन होता है इसमें, और न्यूरोलॉजी में होता है मस्तिष्क रोग का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन, मेटालॉजी में धातु विज्ञान, और जेनेटिक्स में होता है अनुवांशिकी का अध्ययन, हिप्टोलॉजी में होता है यकृत का अध्ययन, और विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन, वर्मीकल्चर गंदे जल की सफाई, और फाइकोलॉजी में होता है शैवालों का अध्ययन, एग्रोनॉमी फसली पादपों का अध्ययन, और केरोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन। तो फ्रेंड ये था हमारा पेज नंबर 65। अगेन 66 में एमसीक्यू क्वेश्चंस स्किप करते हैं हम लोग, इसको ये भी स्किप करते हैं हम लोग। चलिए पेज नंबर 69, देखिए इस बुक में एक्चुअली बीच बीच में जो इसने मॉक टेस्ट दे रखे हैं ना, वो थोड़ा गलत कर रखा है इसने, अगर अलग से स्पीडी ने अपनी अलग से सेपरेट बुक बना रखी थी तो इसमें इसको देने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए इसने ये दिया है कि एक ही बुक बच्चे अगर परचेज करें तो दोनों ही बुकों का उसको
अध्ययन हो सके एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी और इसका भी, क्या पता उसका ये मोटो रहा हो। तो ठीक है, उसने अपने अकॉर्डिंग सही करा था। तो इसके लिए आप अलग से उस बुक के वीडियो देखिएगा और अपना स्कोर मुझको भेजना कि आपका स्कोर क्या रहा, अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो। अब देखिए लाउड स्पीकर क्या होता है, उसमें लाउड स्पीकर में एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो वो करता है लाउड स्पीकर। और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और देखिए वस्तु की स्थिति अनंत पर क्या होगी, फोकस पर, वास्तविक और वस्तु से छोटा होगा। अगर होगा फोकस पर तब क्या होगा, अनंत पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। अब बात करते हैं उत्तर उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर कैसी होगी। एग्जाम में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो ये होता है फोकस पर, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा। अगर बात करें उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और आकार अनंत पर होगी, दूसरी ओर फोकस पर, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। फोकस पर, दूसरी ओर अनंत पर, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। तो देखिए शायद आपको ये पढ़ने में मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, इससे एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पेपर डिजाइन करना है तो यहाँ से भी क्वेश्चंस वो बना के दे सकता है। अब क्या होता है, पेपर एक्चुअली जो कंडक्ट होता है ना, या तो उनका मोटो होता है सिलेक्शन, पहला जो एग्जाम होता है ना आपका फाइनली, बस ये होता है कि खरपतवार काटनी है। आपने देखा अभी जो आपका दरोगा का जो एग्जाम हुआ था, यूपीएससी का जो एग्जाम चल रहा है तुम्हारा 12 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में, तो कैसे टिपिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जीएस के, उसमें मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस कोई स्टेटिक जीके में से बन ही नहीं रहा है। अब सोच लीजिए लेवल कितना हाई है भाई, यूपीएससी दरोगा का एग्जाम कोई हाई लेवल एग्जाम तो नहीं है, उसको कम से कम मॉडरेट तो कम से कम रखो, अगर लो भी नहीं रखना तो वो एक एक क्वेश्चन को काफी घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने लोगों ने वीडियो डाले उससे को लेकर के, सबकी सबकी हालत खराब पड़ी है, या उनका पढ़ा हुआ कुछ नहीं आ पा रहा है। जैसे होता था ना कि यूपीएससी में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आता है, लेकिन 2017 का जो एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें से करंट अफेयर्स कुछ नहीं आ पाया, सारे इंस्टीट्यूट बड़े से बड़े सब धरे के धरे रह गए। अगर आपने यूपीपीएससी का एग्जाम दिया होगा या पेपर देखा होगा जरा उसका देखना, जीएस का लेवल कितना हाई बन गया है। तो देखिए अब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब आपका केवल 4-5 पन्ने पढ़ के या 4 दिन पहले तैयारी करके सिलेक्शन होने वाला केस नहीं है, क्योंकि मेहनत मांगता है कंपटीशन, वरना खेती बाड़ी बीघे भागे पड़े होंगे, उठाओ हल, निकालो ट्रैक्टर अपना, वो तो ऑप्शन है फिर। लेकिन अगर इसमें अगर आपने आप टाइम दे रहे हैं, घर वालों से परमिशन ले रखी है, पैसा उनसे ले रखा है, अपने पैसा उनसे मांगते हैं पॉकेट मनी के रूप में, पेन पेपर जो भी आप यूज करते हैं, तो उस पर कम से कम अपना 100% दे दो, वरना टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए अब हम बात करते हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य, बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या करते हैं, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब की माप, और कार्डियोग्राम से होती है हृदय गति की जांच, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, और फैदोमीटर से होता है समुद्र की गहराई, और एनीमोमीटर से होता है हवा की शक्ति तथा गति की माप, हाइग्रोमीटर से होता है वायुमंडल की आर्द्रता का माप। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे पेसमेकर, पेसमेकर भी इम्पॉर्टेंट है, हृदय स्पंदन, बस इतना बहुत है। अगेन आ गया, टेस्ट कर लीजिएगा अगर बुक आपके पास में है तो। मैं बात करता हूँ फिलहाल पेज नंबर 71, अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो को बस केवल यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आपने ये जो कोने में देख रहे हैं ना, परमाणु के नाभिक की खोज 1911 में हुई थी, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, इसी वीडियो में मैंने आपको अभी दिखाया था। और अब आप देख लीजिए कि आपका ध्यान इस वीडियो के प्रति कितना था, इस वीडियो के प्रति, या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि पढ़ाई के प्रति आपका अटेंशन कितना था। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप खुद को जान सकते हैं, अगर आपका राइट आंसर बनता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और आंसर क्या होगा इसका सही मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा। आप दोबारा से एक बार वीडियो को स्पीड में फास्ट मतलब बैकवर्ड प्ले करना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आप सर्च करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद याद रहा होगा, अगर आप इसी स्पीड से भूल रहे हैं, पढ़ाई इसी स्पीड से कर रहे हैं और इसी स्पीड से आप भूल भी रहे हैं, तो थिंक अबाउट इट, एक बार विचार जरूर करिएगा अपनी पढ़ाई के ऊपर कि आप किस डर्रे के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को शेयर करिए व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, और आपकी कोई भी राय हो मुझे कमेंट प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा।
और हाँ प्लीज़ ये कमेंट मत करिएगा कि सर आप पढ़ाई से थोड़ा हट के बातें कभी कभी करते हो तो टाइम थोड़ा खर्च हो जाता है। देखिए मैं मशीन नहीं हूँ कि मशीन में आपने कोडिंग डाल दी और कोडिंग के अकॉर्डिंग ही मशीन काम करेगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं, सच्चाई होती है, कभी कभी मुझे पता है कि आपको चुभती है, क्योंकि सच्चाई में पॉइंट होता है और पॉइंट हमेशा नुकीला होता है। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द